Hey guys, Assalamualaikum, Sasrikaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है सनातनी भाई को चाहिए 72 हूरे, मुफ्ती यासिर नदीम वर्सेस सनातनी. तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. देखते हैं कि भाई का क्या कहना है. वैसे तो बहुत ज्यादा ये 72 हूरों के ऊपर मजाक बनाया जाता है इस्लाम का, तो देखते हैं कि इस पे क्या बोलते हैं हमारे मुफ्ती साहब और वो भाई क्या उनका जवाब देते हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. आदाब आदाब, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, बस थोड़े से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपसे पूछूं. हमसे कुछ क्वेश्चन आप करने आए हैं? बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम. सनातनी आप? हाँ सर जी. अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा जी, फरमाइए सर. ये जो 72 हूरों वाला मसला है, ये क्या होता है? आपको चाहिए चाहिए, उसके लिए आपको कलमा पढ़ के शहीद होना पड़ेगा, एकदम मिलेंगे. तो उसमें क्या क्या मिलती है, मैं पूछना था. 72 मिलेंगे आपको, तो दो भी मिल जाए वो बहुत है, हम तो 72 दे रहे हैं. इस पर डिस्काउंट रेट चल रहा है. कलमा पढ़िए, शहीद हो जाइए और फौरन मिलेंगे. नहीं तो उसी कोई गारंटी थोड़ी है. गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है. अगर आप शहीद हो जाए ना अल्लाह के रास्ते में, गारंटी है. बोलिए तैयार है? कैसे गारंटी आप मान सकते हैं? आप तो शहीद हुए नहीं अभी तक, जानते नहीं. हमें नहीं चाहिए ना 72, जब हमें चाहिए होंगी शहीद हो जाएंगे, जब चाहिए होंगी तो हम शहीद हो जाएंगे. लेकिन फिलहाल जो कि आपको चाहिए, आप हमसे पूछने के लिए आए, तो हमने आपको तरीका बता दिया. और अगर आपको यकीन नहीं है कि नहीं मिलेंगी, तो आप सवाल ही गलत कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं सवाल जब आपको पता है कि नहीं मिलेगी किसी को भी? नहीं तो क्यों, इस्लाम में कई जगह ऐसे आता है कि सुनने में आता है. अब हमने पढ़ा, सुनने में आता है ना, तो हमने बताया ना कि इस तरीके से मिलती है, ये उसका प्रोसीजर है. अब आप बताइए उसमें प्रॉब्लम क्या आपको उसको प्रोसीजर, या तो आप प्रोसीजर को गलत कहिए, या ये कहिए कि नहीं 72 हूरे मिलना जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता नहीं मिलेंगे, तो नहीं मानते, कोई बात नहीं जी. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कहां लिखा है. अच्छा अगर मैं आपको बता दूं कि यहां लिखा है तो आप मानेंगे? आपकी किताब में लिखा है तो समझ जाएंगे हां यार यहां लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग मानते हैं. तो आप मानेंगे अगर मैं लिखा हुआ कहीं बता दूं 72-75 कुछ भी बता दूं, तो आप मान लेंगे कि हां ये बिल्कुल ठीक लिखा है? वही तो मैं देखना चाहता हूं कहां लिखा है. अच्छा अगर मैं आप मुझे कह दें कि मैं मान लूंगा कि ये बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं अभी दिखाता हूं. हां दिखाइए ना, दिखाइए. नहीं पहले आप ये कहिए कि मैं मानूंगा कि वो ठीक लिखा है, तो मैं दिखाऊंगा. मानूंगा मतलब इंसेंस क्या है? मानूंगा इंसेंस कि हां मुझे पता चले कि हां आप लोग में ऐसा होता है कि हां ऐसा मिलेगा. तो अगर आपको मानना ही नहीं है तो फिर आपको लिखा हुआ दिखाने की क्या जरूरत है? मेरा कहना ही काफी है. पता भी नहीं चलना चाहिए कि कहां लिखा हुआ है. देखिए एक बात बताइए. अच्छा एक मिनट चलिए, ये तो हो गया आपके साथ मजाक. अब असल मुद्दे पर आ जाएं. आपको हूरों से प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं, जानकारी चाहिए कि यार ऐसा चीज नहीं है. ये जानकारी क्यों चाहिए आपको? मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ. अच्छा चलें, आपको 72 हूर नहीं चाहिए तो आपको 1000 हूर चाहिए? 1000 नहीं, पहले 72 का तो निर्णय हो जाए कि कहां मिलेगा. वो तो आपको नहीं चाहिए, वो तो पता चल गया ना, तो अब हम 1000 पे आ जाते हैं. 1000 पे बात कर ले. पहली बात तो मुझे देखिए, मुझे चाहिए तो एक भी नहीं, लेकिन जो अच्छा आपको एक भी होनी चाहिए नहीं है. अरे साहब आपको भी पता है कि नहीं मिलती है. नहीं, एक मिनट, मिलती नहीं मिलती बात की बात है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं सिर्फ जानकारी चाह रहा हूँ कि आपके आप देखे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं मिलती, सब झूठ है. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सब झूठ है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छा एक बार, जब झूठ है तो इतने सारे मुफ्ती बोलते क्यों हैं? अरे मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान ले आप ही सही है, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ है. आपको चाहिए या नहीं चाहिए मुझे बताइए. नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है नहीं मिलेगी, क्यों चाहिए? जो चीज मिलेगी आपको, आपको आपको हूर नहीं चाहिए तो ठीक है. आपको खूबसूरत बीवी की तलाश रहती है या बदसूरत बीवी की? आमी जब तक जिंदा है तो खूबसूरत बीवी की चाहिए. खूबसूरत बीवी की चाहिए ना, तो उसका मतलब ये कि हूर की ख्वाहिश इंसान की फितरत में है. आपकी बीवी ही हूर है आपके लिए, वो इंसान की फितरत में है, तो हमारे ऊपर क्यों एतराज है? ये तो आप भी कर रहे हैं. नहीं तो मरने के बाद 72 रूम में देते हैं. अच्छा अच्छा एक चीज और. आप मसलन किसी ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां आपके मल्टीपल पार्टनर्स हों और आपकी बीवी आपके पास आए और कहे अजी सुनते हो एक औरत और है उससे भी प्लीज शादी कर लो, बहुत खूबसूरत है. आप शादी करोगे नहीं करोगे मुझे बताओ? नहीं नहीं करूंगा. क्यों नहीं करेंगे? वो कह रही है कर ले, माहौल भी ऐसा ही है, क्यों नहीं करेंगे? नहीं नहीं करना है. क्यों? आपकी बीवी कह रही है, ये तो इंसान की फितरत में है, उस फितरत के खिलाफ नहीं जा सकते आप. चाहे आप
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कहें कि भाई मैं नहीं कर सकता, या आप इंपोर्टेंट हो मसलन, आप ये भी कहें भाई मैं इंपोर्टेंट हूं, मैं अकेले संभाल पा रहा हूं, दोनों को कहां संभाल पाऊंगा। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और बीवी आपकी कह रही है कि लेकर आइए, तो क्यों नहीं करेंगे आप, हर एक आदमी करेगा। मुफ्ती साहब मुझे लगता है कि इस्लाम का ऐसा खौफ हो गया है कि लोग अपनी ख्वाहिशात को भी दबाने लगे हैं। ये जो फितरी ख्वाहिशात है हमारे आपास आकर कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे इन फितरी ख्वाहिशात को। तो भाई जब दुनिया में आपको अगर मल्टीपल पार्टनर्स मिल रहे हों, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स मिल रहे हों और किसी को कोई नुकसान ना हो रहा हो, सब लोग खुशबाश हों और ये इंसान के नेचर के मुताबिक होता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर अगर यही बात जन्नत में हो जाए तो क्या मसला है? यही बात अगर रूहों की हूरों की जगह अगर आप सराय मिलने लगे तो क्या मसला है, बताइए साहब? यही तो समस्या है साहब, उन्हीं इसी चक्कर में लालच देके तो इतने आतंकवादी आते हैं ना साहब। तो ठीक है आप चले, ठीक है मैं कहता हूं कि आप अगर इसको आतंकवाद का जरिया बना रहे हैं, ये मान रहे हैं कि इस लालच की वजह से आतंकवाद है, तो ये आतंकवाद दुनिया में तकरीबन बहुत मान के चले जो हमारे पास करंट डेटा है 2% से ज्यादा नहीं है, तो ये जो 98% आतंकवाद है ये अप्सराओं के चक्कर में हो रहा है क्या, जरा बताइएगा? 2% मतलब? और ये जो मॉब लिंचर्स हैं इनको अप्सरा मिलनी है या हूरे मिलनी है मॉब लिंचर्स को? मॉब लिंचर अलग बात है सर। नहीं अलग बात क्यों है? नहीं एक मिनट, अलग बात क्यों है? वो मॉब लिंचर्स अलग बात क्यों है? क्या वो जान नहीं ले रहे हैं? जान जान में फर्क है आपके नजदीक? आप इंसान इंसान में फर्क करते हैं? मॉब लिंचिंग किसी एक जगह में आप, हुआ आप, किसी आप इंसान इंसान में फर्क करते हैं क्या? नहीं मैं फर्क नहीं कर रहा, मॉब लिंचिंग किसी एक खास जगह में, किसी एक खास जगह के कारण कोई बातचीत हुई, वहां मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन आतंकवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, गाय के ऊपर होती है ना, जिसको मैं गाय आइडियोलॉजी बोलता हूँ, गाय के ऊपर होती है, उसके पीछे पूरी एक आइडियोलॉजी है। अब मुझे बताइए कि उस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर आपने लोगों की जान ले ली है कि नहीं, 100 से ऊपर की ले ली, अब तो जरा रुक भी गई है, अब मुझे बताइए कि क्या ये टेररिज्म है या नहीं है? इतना गट्स तो रखे हैं कि आपने लोगों को भी टेररिस्ट बोले, हम तो बोल देते हैं कि आईसिस टेररिस्ट है। आपका अखलाकी पैमाना क्या है बताइए, आप कितने अखलाक हैं? हम जैसे हैं, मतलब कि एक साधारण सी लड़ाई है जिसमें किसी की जान जाती है और हर जगह लड़ाइयां हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, साधारण लड़ाई नहीं है, सुनिए, नहीं साधारण लड़ाई नहीं है, सुन लीजिए एक मिनट, डोंट जस्टिफाई टेररिज्म हियर, साधारण लड़ाई नहीं है। एक आदमी गाय लेकर जा रहा है और वो गाय को जिबा करेगा, आपको पता है कि वो गाय को जिबा करेगा, क्या आप उसको मॉब लिंचिंग करेंगे? ये साधारण लड़ाई नहीं है, मुझे बताइए क्या मॉब लिंचिंग उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो आपकी गाय माता को जाके काटेगा, आपको पता है उसकी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलिए, अब इसका उत्तर मैं क्या दूं, जो वहां के लोग रहेंगे वो अपना, इसलिए कि आपको पता है कि आप नहीं दे सकते, आपको आप लोगों का जमीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है कि आप एक जुर्म को जुर्म कहने के को नहीं कहते, जब फंस जाते तो आप खामोश हो जाते हैं, ये स्टीम छोड़कर भाग जाते हैं। अगर जुर्म हो रहा है, देखिए हम लोगों की तरह जिगरा रखिए, हम आईसिस को, शबाब को और पता नहीं कितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टेररिस्ट बोलते हैं, धड़ल्ले से उनके खिलाफ फतवे देते हैं, आप लोग बोलकर दिखाइए अखलाकी तौर पर, अगर आपके अंदर जुर्रत है कि जो मॉब लिंचर्स हैं वो टेररिस्ट हैं, फतवे देने से क्या फर्क पड़ता है उनको, आए दिन कम से कम हमारे अंदर इतने अखलाक और इतना जमीर तो जिंदा है ना कि हम अपने लोगों की गलती को गलती कह रहे हैं, आप अपने लोगों की गलती को गलती कह रहे हैं, बोलिए क्यों आप अपने गलती को, मैं कहता हूँ कि मॉब लिंचर्स बने क्यों, गाय की वजह से बने ना, गाय की आइडियोलॉजी की वजह से बने ना, ये गाय की आइडियोलॉजी कहाँ से आई? मतलब आप एक दो हत्याएं अगर बताइए, सुनिए अगर एक दो, मैं कहता हूँ एक दो हत्याएं आपके लिए बराबर है, मैं कहता हूं कि एक हत्या हो, एक तो एक दो हत्या ही नहीं, चाहे हाँ डेटा निकालिए भाई, डेटा निकालिए, मॉब लिंचिंग का डेटा निकालिए, 2022 में कितने लोग इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं और कितने लोग जो है वो लिंचिंग के थ्रू मारे गए हैं, डेटा निकालिए देखते हैं आप, तो टेररिज्म को यानी कि ये कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग को आप टेररिज्म की आड़ में आप मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप दोनों का डेटा निकालिए, आपके पास है आसिम भाई, कोई डेटा है आपके पास? जी बिल्कुल डेटा है, बस दो मिनट दीजिए, मैं टेररिज्म का डेटा निकाल चुका हूँ, लिंचिंग का डेटा। हाँ भाई, तो इतने डेटा आ रहा है राज साहब, अगर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के मान लीजिए एक ही हत्या हुई है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम तो एक हत्या और 100 हत्या में फर्क ही नहीं करते, एक इंसान का हत्यारा भी गलत, 100 इंसान का हत्यारा भी गलत, अब मुझे बताइए कि आप उस एक मॉब लिंचिंग को जिसको आप जानते हैं, आप उन मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट कहेंगे? बोलिए, वो टेररिस्ट हैं आपको लगता है? हाँ बिल्कुल टेररिस्ट है, आपको क्यों नहीं लगता, आपका जमीर कहां चला गया, मैं ये पूछ रहा हूं, किधर है आपका जमीर भाई,
क्यों आप इंसानों और इंसानों के दरमियान फर्क करते हैं महज इसलिए कि वो सनातनी है और ये मुसलमान है? क्यों आप मुसलमानों को समझते हैं कि ये सेकंड क्लास हैं और जब चाहे आप इनकी मॉब लिंचिंग कर दें? और उन मॉब लिंचर्स को आप न सिर्फ ये के जस्टिफाई करें बल्कि उनको जेलों से निकाल कर लाएं, उनके गले में माला डालें? ये आपके अखलाकियात है, ये आपकी मोरालिटी है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म हियर? मतलब कि आप टेररिज्म को पूरा सपोर्ट करते हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। हमने तो सबको डिनाउंस किया हुआ है और एक मर्तबा नहीं हजार मर्तबा किया हुआ। मेरे चैनल के ऊपर अभी पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड हुई है आसिम भाई के साथ ही, उसको जाकर देखिए, आपने यकीनन देखा होगा। अच्छा राज साहब थे, दोबारा आ गए फिर कन्हैया लाल के साथ भी सही हुआ होगा, वो जो महाराष्ट्र में वो भी सही हुआ होगा आपसे आपके साथ? मैं कहता हूं जो हुआ है महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, फला के साथ हुआ, हम तो सबको गलत कहते हैं। आप बोलो मॉब लिंचिंग टेररिस्ट है कि नहीं है, मॉब लिंचर्स टेररिस्ट है कि नहीं? हम तो कहते हैं कि टेररिस्ट है, आप बोलो टेररिस्ट है कि नहीं? हम कहते हैं जहां गलत हो रहा वो गलत है, नहीं मॉब लिंचर। हम ये कहते हैं कि राजस्थान में जो हुआ गलत हुआ, वो लोग हत्या रहे हैं, हम उनको टेररिस्ट भी कहेंगे? आप बोलो टेररिस्ट है कि नहीं? हम टेररिस्ट उनको इसलिए हम नहीं मानते हैं। आप क्या है कि आप बातों को घुमाना अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं बातों को मैं नहीं घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात आप ही के ऊपर रख रहा हूँ, इसमें बातों को घुमाने का क्या मतलब? आप बातों से भागना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या जाता है कि आप एक दफा कह दें कि जो भी लिंचिंग हुई है गाय के नाम पे वो गलत है? ये आप सुकून से सो भी सकेंगे अगर आप ये कह देंगे तो, शायद आपका जमीर जिंदा हो जाएगा कि जो भी मासूम लोगों निहत्ते लोगों को मारा गया है लिंचिंग के नाम पे वो गलत हुआ है, आप कह दें। और सिर्फ गलत नहीं, उसको टेररिज्म मानना पड़ेगा भाई, गलत का क्या, गलत तो हुआ ही है, टेररिज्म आप मानिए उसको। लेकिन आप इनके नजदीक टेररिज्म का फर्क भाग गए क्या? भाग गए, चलो हो गया ये होती है। सो गाइस ये तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। सबसे पहले बात कर रहे हैं 72 हूर के बारे में, तो यार 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में है, ठीक है? तो जितने भी मुसलमान है वो 72 हूर के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ठीक है? तो जो नॉन मुस्लिम है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो नॉन मुस्लिम है वो 72 हूरों से वो एतराज क्यों करते हैं, क्योंकि मरने के बाद उनको तो 72 हूर नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और अगर उनको चाहिए भी तो भाई जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया वैसा आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है 3 तलाक पे या फिर 72 हूरों पे? क्योंकि आपका तो दूर दूर से कोई नाता ही नहीं है इस्लाम से, तो ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। और जब फिर जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत सही बोला, जितने भी आतंकवादी है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन के हो, हर आतंकवादी जो होता है उनका कोई धर्म नहीं होता। जब आतंकवादी अटैक होता है कहीं भी आप देखोगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते हैं। अगर ऐसा होता कि कोई अगर मुस्लिम आतंकवादी है तो वो अपने लोगों को क्यों मारता? तो अब अगर आप निकाल के देखोगे, ठीक है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से हट के देखोगे और लॉजिकल चीज़ों में आओगे आप, ठीक है, आपकी लाइफ में लॉजिकल चीज़ें होंगे तो आप समझ पाओगे कि यार उनका कोई भी धर्म नहीं होता है, तो ये सब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो राज थे उनके जैसे जो लोग हैं वो मीडिया में जो चीज़ें चलती है उससे ज़्यादा ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और ये चीज़ें जो एक मीडिया पे चीज़ें चलती रहती है कि जो भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं, और वो 72 हूरों के लिए वो किसी का भी मतलब किसी के साथ भी मतलब किसी को मार डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो धर्म के नाम पे अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि और भी जो दूसरे रिलीजन वाले हैं वो लोग धर्म के नाम पे कुछ कोई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लोगों को मार नहीं रहे, जैसे मॉब लिंचिंग ये भी एक धर्म के नाम पे ही ये चीज़ें हो रही है। लेकिन जब अगर जैसे मुफ्ती यासिर नदीम और हम लोग भी ऐसे नहीं है कि मुसलमान अगर कोई इस्लाम के नाम पे किसी को मार रहा है तो उसको वो लोग गलत बोलते हैं आगे आके कि नहीं वो गलत कर रहा है, ये इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब वैसे ही मतलब जो मॉब लिंचिंग होती है उसको भी आगे आके लोगों को बोलना चाहिए कि वो भी गलत है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। यहाँ पे ये होता है ना कि अपने लोग जो कर रहे हैं सब सही है, दूसरे कोई कर रहे हैं तो गलत है, तो गलत सामने वाला तो कर रहे हैं गलत, लेकिन आपको भी ऐसा नहीं है कि उसके जैसे ही बिहेव करना है। आपको जो चीज़ गलत है चाहे वो मेरे रिलीजन का करे या किसी भी रिलीजन का करे, जो गलत है ना इंसाफी है वो ना इंसाफी ही होगा। और एक चीज़ और कि कभी भी अगर कोई किसी
को मार रहा है तो उसको धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो कोई भी रिलीजन का हो, किसी को हक नहीं है। और जैसे उस मतलब उसने क्वेश्चन किया तो उसके आंसर में ये था कि वो गन से मारते हैं जो आतंकवादी होते हैं, तो गन से मारे या हाथ से मारे, अगर आप किसी की भी जान ले रहे हो तो आप गलत ही हो। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।